शकरकंदी के कटलेट। बताते हैं कैसे बनाया, लेकिन पहले फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा दीजिए और थम्सअप भी दे दीजिए। चलिए थम्सअप देखने के बाद दे दीजिएगा। चलिए बताएं कैसे बनाया। पुलिस वेलकम टू खाना हंगामा। शकरकंदी के कटलेट खाए हैं आपने कभी? एक्चुअली मैं वीडियो नहीं लेने वाली थी, इसीलिए बहुत सब अजीब अजीब से बर्तन में नॉर्मली सुबह सुबह सब काट के रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम बहुत बनाते हैं इसको और ये बहुत टेस्टी लगता है। और शकरकंदी डायबिटीज़ के लिए अच्छी भी होती है। तो ये बॉईल करके रखी है मैंने, काट के आप देख सकते हैं, ना बहुत मोटी शकरकंदी है ना बहुत बारीक शकरकंदी है। तीन शकरकंदियाँ थी जिनको मैंने ऐसे काट के और बॉईल कर लिया है, छील लिया है। यहाँ पर एक प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ का, जो कि बारीक बारीक काट लिया था। धनिया है 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च, इनको कूट लिया था। ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। बाकी के मसाले डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर कटलेट बनाना शुरू करते हैं। मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि मैं आज अमचूर नहीं चाट मसाला डालने वाली हूँ और एयर फ्रायर में बनाऊंगी। एयर फ्रायर में जो है ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, सूख जाता है क्योंकि, इसलिए इसको हम नमक थोड़ा सा कम ही रखेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इनफैक्ट मैं भी डाल ही देती हूँ। सूखा धनिया डाल रही हूँ 3/4 टीस्पून। ये गई काली मिर्च 1/2 टीस्पून और चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अमचूर डाल सकते हैं आप, मैं आज चाट मसाला डालने के मूड में थी इसीलिए मैंने अमचूर नहीं डाला है। और शकरकंदी ऑलरेडी मीठी होती है तो आपको थोड़ी सी मिठास आएगी, इसलिए आप चाहें तो नमक थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। हम एक्चुअली खाते भी बहुत कम हैं इसलिए मैंने कम डाला है। मिक्स कर लेती हूँ इसको फटाफट से और फिर बनाना शुरू करते हैं मैश करके। देखिए अभी मेरा ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको लगे कि पतला हो रहा है मसाला तो आप 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर फ्लैक्सीड पाउडर भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं फ्लैक्सीड पाउडर ही डालूंगी अगर डालूंगी तो, अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको 10 से 15 मिनट के बाद बनाना है और प्याज हो सकता है पानी छोड़ जाए, तो उस टाइम पे अगर ज़रूरत होगा तो मैं फ्लैक्सीड पाउडर डाल के मिक्स कर लूँगी। तो 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। लीजिए अभी भी देखिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें फ्लैक्सीड्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर मैंने 1/2 कप ओट्स और 1/4 कप रोस्टेड वर्मिसली जो होती है उसको पीस लिया है और उसको भी थोड़ा सा भून लिया था, रोस्ट कर लिया था और उसको पीस लिया है ऊपर रोल करने के लिए। तो इनके मैं बना लेती हूँ कटलेट्स। मैंने देखिए कुकी कटर्स यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो कुकी कटर्स की जगह हाथ से भी बना सकते हैं। पहले इनको हाथ से बना के फिर रोल कर लेते हैं और उसके बाद फिर एयर फ्रायर में बनाना शुरू करेंगे। तो लीजिए ये सारे हो गए रेडी। एयर फ्रायर मैंने रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए प्री हीट होना। इसके ऊपर ऑयल स्प्रे कर देते हैं, स्प्रेयर भी मेरा नया है, इसको टाइम लगेगा यूज होने में। इसको देखना पड़ेगा। लीजिए ये चल गया तो इसको स्प्रे कर देते हैं ऑयल से। देखिए स्प्रे हो गए, तो अब एक बार ही होता है ये, तो अंदर डाल के दूसरी साइड से भी स्प्रे कर देंगे। देखिए ये हो गया था प्री हीट, तो एक बार में जितने आ सकते थे मैंने डाल दिए। ऊपर से इसको स्प्रे भी कर दिया दूसरी साइड से। अब इसको मैं अंदर डालती हूँ और उसके बाद 12 मिनट्स के लिए मैं इसको देखिए रख लेती हूँ। तो एक बार ही बन जाता है फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए हमारे कटलेट हो गए रेडी। सेकेंड लॉट हमने डाल दिया है बनना।
रोस्टेड चना दाल की चटनी के साथ हमने इसको परोसा है। चटनी की रेसिपी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप ये इसको बनाएं, खाएं, बताएं हमें आपको किस तरीके के लगे ये, क्योंकि ये बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। एक तो शकरकंदी और ऊपर से उसका जो रोलिंग है वो हमने ब्रेड में नहीं किया, ओट्स और वो हमें सिले में किया है। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और फिर से मिलते हैं एक अलग रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।